हेलो फ्रेंड्स, कुक विद टेस्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसाला पाव, तो आइए बनाते हैं टेस्टी एंड डिलीशियस मसाला पाव। इसके लिए हम पैन में 1 से 1.5 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच हम बटर डाल देंगे। बटर डालने से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे, बारीक कटी हुई अदरक डाल देंगे और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। कुछ सेकंड के लिए हम इन्हें पकाएंगे जिससे कि अदरक और लहसुन का कच्चापन चला जाए। इसके बाद हम इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। अब हम प्याज को भी कुछ सेकंड के लिए पका लेंगे। जैसे ही प्याज हल्के से सॉफ्ट होने लगे, हम इसमें बारीक कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, मिक्स कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए शिमला मिर्च को भी हम पकाएंगे। बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमें नहीं पकाना है, इन्हें क्रंची ही रखना है। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे। मिक्स कर देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे जिससे कि टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हम इसे ढककर पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और 2 छोटे चम्मच हम इसमें पाव भाजी मसाला डाल देंगे। इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। पाव भाजी मसाले की जगह आप मैगी मसाले का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ पनीर डाल देंगे। ये मैंने 150 ग्राम पनीर को बारीक कट किया हुआ है। इसे भी मिक्स कर देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बढ़िया सी स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम इसमें चीज़ डाल देंगे। ये मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। आप इसकी जगह चीज़ स्लाइस या प्रोसेस चीज़ का यूज़ भी कर सकते हैं। चीज़ को भी अच्छे से मिक्स करेंगे और मेल्ट हो जाने तक हम इसे पकाएंगे। चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है, बढ़िया सी स्टफिंग हमारी रेडी है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और स्टफिंग को हम बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इस पैन में 1 चम्मच बटर डाल देंगे और बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला डालेंगे। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें अपने पाव को सेक लेंगे। ये मैंने 2 पाव को सेंटर से कट कर लिया है। अब हम इन्हें सेकेंगे। पाव को हमने क्रिस्पी करना है। इस तरह घुमाते हुए, अलटते पलटते हुए हमने पाव को सेक लेना है। ये मसाला पाव बहुत ही कम समय में रेडी हो जाते हैं। बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आते हैं। आप भी इस स्टाइल से मसाला पाव एक बार ज़रूर बनाएं, आपको भी बहुत ही पसंद आएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, पाव हमारे सीख गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हम इसके ऊपर हरे धनिया की चटनी लगाएंगे। हरे धनिया की चटनी की रेसिपी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और जो पनीर की बढ़िया सी स्टफिंग हमने रेडी की थी, अब वह स्टफिंग हम इसके ऊपर लगा देंगे। इन्हें चीज़ी बनाने के लिए हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। ये मैंने मोज़रेला चीज़ का यूज़ किया है। ऊपर वाले पाव से हम इसे कवर कर देंगे। इसी तरह हमने सारे पाव को बनाकर रेडी करना है। अब हम इन्हें सेकेंगे। पैन में हम बटर डाल देंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। इससे टेस्ट तो बढ़िया आता ही है, पाव हमारे देखने में भी बढ़िया लगते हैं।
अब हम इसे चीज़ के मेल्ट हो जाने तक, क्रिस्पी होने तक पका लेंगे। जितना आप क्रिस्पी करना चाहें उतना इसे सेक सकते हैं। ऊपर से भी थोड़ा सा हरा धनिया लगा देते हैं। शाम के समय छोटी मोटी भूख में आप मसाला पाव को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को तो यह बहुत ही पसंद आते हैं। आप भी इस स्टाइल से मसाला पाव एक बार जरूर बनाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया क्रिस्पी और चीजी मसाला पाव बनकर हमारा रेडी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म मनपसंद चटनी के साथ सर्व करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, मसाला पाव की रेसिपी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।